हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई का ख्याल करते हुए आपकी पढ़ाई के लेवल को थोड़ा और बढ़ाने के लिए, उसे रफ्तार देने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके अपने प्यारे से चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये टॉपिक सुनते ही आप सोचेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में तो पहले आपसे बता चुका हूँ एक वीडियो में, तो क्या दोबारा वीडियो नहीं बना सकते हम लोग, इसको और नहीं समझ सकते डिटेल में? एक्चुअली याद करिए, उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है। उस वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का हमने आपको तरीका सिखाया था। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, कोई भी जनरल सिंपल मॉलिक्यूल ले लीजिए, उसका जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करें। तो दौड़ के जाइए वहीं पर जहां पे ने कलम कलम कॉपी रखा हुआ है और दौड़ के आ जाइए, शामिल हो जाइए हमारे इस कंसेप्ट केमिस्ट्री क्लास में और आनंद लीजिए केमिस्ट्री पढ़ने का, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने का, और देखते हैं आपको कितना आनंद मिलता है और मैं कितना आपके लिए वीडियो मजेदार बना पाता हूं। आइए कोशिश करता हूं मैं आपको समझा दूं, एक छोटी छोटी बात को समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं, तो ध्यान से थोड़ा सा अवश्य ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ रूलों की चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप वन के जो एलिमेंट हैं, जो वर्ग एक के एलिमेंट हैं, जिसको अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में प्लस वन होता है। तो आइए लिख देते हैं, यह है ग्रुप फर्स्ट जिसको आप अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल। अगर इसमें हाइड्रोजन को शामिल कर लें तो हली न क रब शिज फरा, ये अल्कली मेटल कहलाते हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस वन। स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इनके ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होते हैं, लेकिन वो माइनस वन भी होता है। वो कब होता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में, लेकिन उसके पहले जरा देखिए, मान लीजिए कि आपको एक कंपाउंड दिया गया Na2SO4 और कहा गया कि इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, अरे भाई तो ये तो ग्रुप वन के एलिमेंट है ना, तो ग्रुप वन के एलिमेंट का कहीं भी मिल जाए कहीं, एग्जाम्पल के लिए आपको K2SO4 किसी ने लिख दिया, तो ठीक है लिख दिया भाई, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस वन है, कौन सी का, पोटेशियम का। अगर मान लीजिए कि हमने लिख दिया K2Cr2O7 और अब कहा कि भाई पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, तो ठीक है पोटेशियम ग्रुप एक का एलिमेंट है ना, तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन। इसी तरह से अगर आपको ग्रुप दो के एलिमेंट अगर मिल जाए, जिसको आप कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, याद करिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मिले कहीं पर, याद होगा आपको बे मग काशर बर, यही है ना, अगर ये कहीं मिल जाए किसी भी कंपाउंड में, एक पल के लिए भी मत सोचिए, ऑक्सीडेशन नंबर इनका लिख दीजिएगा प्लस दो। कितना दोस्त, प्लस दो। एग्जाम्पल लेना चाहते, चलो ठीक है एग्जाम्पल में क्या रखा हुआ वो तो आप समझ ही लेंगे, MgCl2 लिया हमने, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर प्लस दो। मान लीजिए कि आपने लिया CaSO4, तो CA का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस दो, क्यों, अगर आपने मान लिया कि लिया BeCl2, चाहे आपने लिया BaSO4, तो ठीक है इसमें बी ए का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ प्लस दो। मतलब ये हुआ कि ग्रुप दो के एलिमेंट, वो एटम कहीं मिल जाए, किसी भी कंपाउंड में मिल जाए, तो समझ लीजिएगा कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस दो। इसी तरह से अगर ग्रुप तीन के एलिमेंट मिल जाए, ग्रुप तीन मतलब जो हम लोग ले रहे हैं 13, जिसको बोरोन फैमिली कहते हैं, बोरोन फैमिली, तो इनके जैसे बलगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर दोस्त किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बोलिए, प्लस थ्री होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए AlCl3 लिया गया, कहा गया कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री। अब आइए
तो इसमें तो कुछ नहीं है, ये एकदम बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। कुछ ये जानिए, अगर कोई भी मॉलिक्यूल या एटम फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में, एग्जांपल के लिए O2, N2, O3, P4, H8, कोई भी लिख दीजिए इस तरह से, कुछ भी, जैसे H2, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? 0। मान लीजिए कि कोई मेटल है, कोई भी मेटल, जैसे Cu, Ag, Au, कुछ भी, Fe, कोई प्लस माइनस आवेश नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर है 0, फ्री स्टेट में है। नेक्स्ट, अगर कोई भी आपके पास एलिमेंट है उस पर चार्ज है, जैसे Fe पर 2 प्लस है, मान लीजिए कि Fe पर 3 प्लस है, नाइट्रोजन पर 3 माइनस है, ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस है, अकाजक इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो जो चार्ज है ना वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, इसका है +3, इसका है कितना -3, यहाँ कितना है -2। मान लीजिए कि लिखा हुआ है Cu पर 1 गो प्लस, तो ऑक्सीडेशन नंबर +1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो चार्ज दिया गया, कोई एटम है उस पर अगर चार्ज दिए गए हैं, तो जितना वो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। स्टूडेंट्स पहले इसको नोट करें और फिर आते हैं दूसरी बात करने। अब भाई स्टूडेंट्स बात कर रहे थे हाइड्रोजन के, तो देखिए हाइड्रोजन जो है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होगा जनरली। जनरली किसी कंपाउंड में कितना होगा? +1। लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड हो गया, मेटल हाइड्राइड, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने लिख दिया सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, तो दोस्त याद रखिएगा कि जनरली किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 लेना है। कितना लेना है? +1। कितना? +1। लेकिन जो मेटल हाइड्राइड, मतलब ये जब किसी मेटल के साथ लग जाए हाइड्रोजन, तो उसको मेटल हाइड्राइड कहेंगे, और मेटल हाइड्राइड में तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, देखो दोस्त ये -1 हो गया। आपको बताने जा रहे हैं क्यों होगा, अभी तुरंत थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ने दीजिए, आप केमिस्ट्री को इस ऑक्सीडेशन नंबर को फील करने की कोशिश करिए और इससे मजे लेने की कोशिश करिए। देखिए ऑक्सीजन के बारे में आते हैं, बड़ा सबसे मजेदार यही है, जो ऑक्सीजन है ना इनका जरा देखिएगा, -2 होगा ऑक्सीडेशन नंबर जनरली, कितना होगा जनरली? -2। लेकिन इनके ऑक्सीडेशन नंबर होंगे -1 भी, कब? पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड में इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1। कैसे भाई पेरोक्साइड का मतलब? तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Na2O2, H2O2, BaO2। अच्छा दोस्त एक बात और बता दें आपको, चर्चा हो जाए ना, पेरोक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर आपको कहीं दिख जाए ना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड इधर कुछ ही रहा, तो समझ लीजिएगा ये पेरोक्साइड है, और उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर -1 इसका भी और -1 होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक आता है सुपर ऑक्साइड, उसमें होता है -1/2। किसमें? तो सुपर ऑक्साइड में, अगर कहीं आपको सुपर ऑक्साइड्स मिल जाए तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। इस सुपर ऑक्साइड का होता है भैया, तो देखिए KO2 सुपर ऑक्साइड हो गया, RbO2 सुपर ऑक्साइड, इस तरह से जो ग्रुप वन के एलिमेंट होते हैं ना वो सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं। तो अगर सुपर ऑक्साइड में अगर आपको कहीं पर भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो गया, तो ये -1/2 है, यहां पर कितना है? -1/2 है, किसका? इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा कुछ और बात करते हैं, ये देखिए O2F2 में, इन O2F2 याद रखिएगा इसमें है ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी पहले लिख देते हैं +1। किसमें? तो O2F2 में, ये इकलौता एग्जांपल है, +2 होते हैं कौन सी में भाई? तो OF2 में। अच्छा -1/3 होता है किसमें?
तो है KO3 में। KO3 में आप ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1/3 है। तो ये कुछ बातें याद रखनी होगी। ये तो जनरल बात है कि जनरली जो है हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेंगे ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड में, लेकिन अगर वो पेरोक्साइड आ गया तो समझना होगा कि -2 ना होकर -1 हो गया। सुपर ऑक्साइड हो गया तो -1/2 हो गया। उसी तरह से O2F2 हो गया +1 हो गया। OF2 में कितना हो गया तो O2F2 में +1 और OF2 में +2 और KO3 में -1/3, इस तरह से हो जाते हैं। तो उसके बाद और देखिए कुछ और रूलों पे भी चर्चा करेंगे। अगर कोई कंपाउंड है और बना, जरा ध्यान दीजिएगा, मेटल और नॉन मेटल से, नॉन मेटल कंपाउंड जो बना है किससे, तो मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा प्लस में पॉजिटिव और नॉन मेटल का होगा ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव। याद रहेगा अगर कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ, एग्जांपल के तौर पे NaCl लीजिए, तो इसमें सोडियम का +1 पॉजिटिव हुआ, देखिए और क्लोरीन का कितना हुआ, -1 हुआ, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अगर कोई कंपाउंड नॉन मेटल से बना हुआ है, मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल ही है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, जरा ध्यान से देखिएगा। दोनों नॉन मेटल में से पता लगाएंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। मान लीजिए कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका हो जाएगा क्या चीज, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा नेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का हो जाएगा नेगेटिव, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एग्जांपल के तौर पे H2O लेते हैं, तो H2O में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, है ना, तो उस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहे जितना भी हो वो होगा पॉजिटिव में, और इसका जितना भी हो वो क्या होगा नेगेटिव में। और भी बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं, अभी तो शुरू हुआ है, आप इसको नोट करें और फिर उसके बाद बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स कुछ और रूल पे पहले चर्चा करते हैं फिर एग्जांपल बनाते हैं। देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एटम हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड टू कंपाउंड वैरी करेगा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि कितना से कितना तक वैरी करेगा, तो उसके भी एक रूल है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा उस कंपाउंड के ग्रुप नंबर के, सॉरी जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं, जिस एटम का, उस एटम के ग्रुप नंबर के, तो ग्रुप, ये ग्रुप लिखिए, ग्रुप नंबर ऑफ एटम, इसका एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए ग्रुप नंबर किस में, रोमन वाला ग्रुप नंबर, आपके पीरियोडिक टेबल में रोमन में जो ग्रुप नंबर उसकी बात कर रहा हूं, इन रोमन, और मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आप क्या करते हैं कि जितना मैक्सिमम आता है उस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में से आप घटा लेते हैं 8, माने ग्रुप नंबर -8 जो हो गया, ग्रुप नंबर ऑफ एटम और -8 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। जरा इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए कि आपको पता लगाना है कि सल्फर जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो स्टूडेंट्स याद करो ग्रुप 16 याद करो, इधर से ओल्ड स्टाइल से TPO, मतलब सल्फर कहाँ क्या है भाई, तो ग्रुप 16 का रोमन में ये कितना है 6A है, याद है ना आपको, रोमन में ये 6A है, तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, अगर कहीं +7 आया माने वो गलत है। अगर तो मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो मैक्सिमम +6 है उसमें से 8 घटाइए, 6 -8 = -2,
तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक हो सकता है, तो पता लगाइए क्लोरीन किस ग्रुप का है। तो ये है, याद करो, ग्रुप जो 17 है जिसको आप 7A कहते हैं उसी का है ना, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम इसका कितना हो सकता है, बोलिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है +7, रोमन में +7 है ना, तो मिनिमम कितना है, इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है 7 -8 -1। तो याद रखिएगा कि क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, +7 से -7। उसी तरह से अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो जरा देखिए, नाइट्रोजन है आप ग्रुप 15 याद है ना, जिसको आप 5A बोलते हैं, तो नाना, पापा, अम्मी सब वो बीमार, ऐसे कुछ याद किए थे ना हम लोगों ने। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई नाइट्रोजन का हमसे ऑक्सीडेशन ना पूछे मैक्सिमम कितना हो सकता है, अरे भाई तो 15 माने कौन सी, 5A, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5, और मिनिमम कितना हुआ, बोलिए एक बार, मिनिमम कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, तो 5 -8 -3। इसका मतलब कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से -3 के बीच में ही वैरी करेगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से -1 के बीच में वैरी करेगा, कुछ भी हो सकता है। सल्फर का, या इसके पूरे खानदान की बात कर रहा हूँ, केवल सल्फर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना है, उसे ग्रुप नंबर के बराबर, रोमन वाला ग्रुप नंबर, और मिनिमम कितना है, तो मैक्सिमम -8 घटा लीजिए। चलिए ये बात क्लियर हुई, अब आइए कुछ और बात है। हम आपको बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स की, पहले तो एक बार बार मेरे बात दिमाग में आ रही बता दें कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पर भी, पहले बता देना चाहिए था, -1 होता है किसी भी कंपाउंड में, लेकिन के खानदान के और जो लोग हैं ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी जनरली -1 ही होता है जनरली, खास करके जब मेटल के साथ में होते हैं ना, मेटल हैलाइड में, तो ये -1 ही होता है, मेटल हैलाइड्स। लेकिन इस -1 के अलावा ये वैरी भी कर सकता है, और खास करके जब आपस में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाएंगे तब तो एक पॉजिटिव होगा ही और एक नेगेटिव होगा ही होगा, आइए। लेकिन जनरली अगर कहीं कुछ ना दिया हो तो -1 लेते हैं। जो मुझे अभी बात बतानी है, जो हमारे दिमाग में चला कि नहीं बहुत बहुत जरूरी है आपसे शेयर करना, वो ये है कि किसी भी कंपाउंड के जितने एटम्स हैं उन सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दिया जाए तो वह अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो 0 के बराबर हो जाएगा, अगर उस पर कोई चार्ज है, आयन है वो, तो उसके चार्ज के बराबर हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, समझिए, एग्जांपल से भी दिखा रहा हूं, कोई आपके पास मॉलिक्यूल दिया गया, उस मॉलिक्यूल में जितने एटम 2, 4, 10, 20 जितने एटम है सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 0, कितना, 0 आएगा। लेकिन अगर उस पर आयन है, कोई पॉजिटिव है, उसे +2 है -2 है, तो सबको जोड़ेंगे तो उसी अपने चार्ज के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि सम ऑफ इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ All atoms equal to कितना हो जाएगा, 0, न्यूट्रल मोलिक्यूल्स में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि लिया आपने H3PO4, तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जोड़ देंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, वो आएगा 0 के बराबर आएगा। अगर ये आयन होते, आयन, फॉर आयन, फॉर आयन्स, तो उसके लिए रूल है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इक्वल टू, जो आयन है ना, जो चार्ज, उस चार्ज के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। एग्जांपल के लिए अगर कहीं लिखा हुआ SO4-, ठीक है, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सल्फर का और निकालेंगे ऑक्सीजन का, जोड़ देंगे किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। और जानते हैं
ये बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक दो चार दस गो एग्जाम्पल नहीं बनेगा, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, तब तक हमें भी संतुष्टि नहीं मिलेगी और आपको भी नहीं पता चलेगा क्या इतना सारा थ्योरी हो गया। आइए शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल को समझने के लिए। आइए स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, लेकिन उसके पहले जानिए कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, याद रखिएगा कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, इवन फ्रैक्शन भिन्न के रूप में, बाटा के रूप में, दशमलव के रूप में हो सकता है, ये पी बटा क्यू के रूप में हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, मान लीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर है X, ठीक है, उसके अलावा उसमें जो एटम्स हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पहले से पता होना चाहिए, और हमने जितना आपको रूल बता दिया उतना केवल याद रखिएगा, उससे बहुत कम भी याद रखिएगा तो बन जाएगा। जरा इधर देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो चलिए ठीक है, एक का नहीं +1 होता है तो 3 है तो 3, इसका हमने एक्स मान लिया और कहा आपने कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, भाई तो 4 को 4 दुनिया 8, प्लस में ऊपर कोई प्लस माइनस है नहीं है तो 0, तो एक्स बार कितना हुआ +5। थोड़ा जल्दी हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है K2Cr2O7, कहा गया कि Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, ठीक है, अभी तो पोटेशियम तो आप जाने ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 1, तो 1 थोड़ी लिखेंगे, K2 है ना, K2 तो 2 लिखेंगे, 1 का ना 2 होता है 1, तो Cr का एक्स, तो एक्स लिखें नहीं, 2 है तो 2x लिखें, और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो 7 को का 7 दूनी 14। अब देखिए तो इस पर कोई प्लस माइनस दिख रहा है नहीं, न्यूट्रल तो 0 कर दीजिए, इस तरह से 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना होगा +6, तो कंफर्म हो गया कि K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। हम जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि CH4 में C का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ठीक है इसका मान लेते हैं एक्स, और एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो कितने हैं 4 हैं, तो लिख देंगे 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना हुआ -4। अच्छा चलिए एक और लेते हैं, C2H4 में हम चाहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का, तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x माना तो 2 है तो 2x, अब +4, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 1 होता है, तो 4 के लिए 4 हुआ इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4 -4, x इक्वल टू -2, इसका मतलब देख रहे हैं एक ही एटम का अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होते हैं, वैरी कर सकता है। एग्जांपल के लिए C2H6 लिया हमने, तो C2H6 में यहां पर चाहे मान ले कि ये छोड़ी C4H8 लिया, चाहे H8 ले लिया, ठीक है कुछ भी ले सकते थे, अल्केन अल्किन अल्काइन में से, तो कितना हुआ 4x +8 इक्वल टू 0, और इसलिए x कितना हुआ 4x इक्वल टू -8 और x इक्वल टू हो गया -2, ये तो सेम आ गया। चलिए मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, C2H6 हमने लिया तो 2x +6 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3, इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग कंपाउंड में सेम ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वैरी कर सकता है, करेगा ये जरूरी नहीं है, कर सकता है। अब जरा देखिए लिखा हुआ है SO4-, कहा जा रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो ठीक है जिसका निकालना है उसको एक हमने मान, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आपके दिमाग में बैठ गया। अच्छा दोस्त एक बात कहते हैं, ये याद रखना, सब कुछ याद रखना चाहे मत, सोडियम पहले हाइड्रोजन याद, हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने याद रखना और SO4 के लिए भी याद रखना, कहीं जरूरत पड़ेगा ये -2 होता है। उसी तरह से OH के लिए याद रखिएगा, फ्लोरीन है क्लोरीन है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1, इतना भी कम से कम याद रखिएगा ना, देखिएगा आपको कैसे मजे से बनता है। तो इसका एक्स और एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 दूनी के 8 इक्वल टू -0 कर दें नहीं, एकदम सही करें -2 करें, क्योंकि उस पर 2 देख रहे हैं कि आयन है, तो x इक्वल टू कितना हुआ बोलिए 6 हुआ +6। तो आप देख रहे हैं कि SO4- में भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 6 हुआ, तो क्या हम अगर SO2 निकालें तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो देखिए x -4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो गया ये +4,
तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग बैरी कर रहा है। जैसे यहां पर लिख बहुत सारा कंपाउंड है, मैं आपको बहुत सारा भी बताने वाला हूं, घबराइए नहीं, कुछ ऐसे कंपाउंड की भी चर्चा करने वाला हूं अभी नेक्स्ट इसके मेथी पर जब लिखने जा रहे हैं, जो कंपटीशन में काफी पूछा जाता है। देखिए तीन हुआ प्लस एक्स हुआ माइनस क्या, चार दुनिया आठ इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस फाइव।